हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेट्राजान 100 mg टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के संपूर्ण यूज, बेनिफिट, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए जो नीचे रेड वाला सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हेट्राजान 100 टेबलेट जिसे फाइजर कंपनी बनाती है, जिसकी 30 टेबलेट की प्राइस 49.14 रुपये होता है, जो आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर डाई एथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, अब इस टेबलेट के यूज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस टेबलेट का मुख्य 3 समस्या में यूज किया जाता है, जिसमें पहला इश्नोफिलिया, दूसरा फाइलेरिया तथा तीसरा हाइड्रोसी, तथा उसके अलावा अन्य यूज की बात करें तो वार्म इन्फेक्शन, यानी क्रीमी में भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट के यूज के विस्तार के बारे में बात करें तो इश्नोफिलिया, जिसमें सर्दी की इन्फेक्शन या अन्य वजह से इश्नोफिलिया बढ़ जाता है, जिससे लगातार खांसी चलते रहते तथा सर्दी भी ठीक नहीं होता, उस कंडीशन में ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें इश्नोफिलिया का लेवल बढ़ जाता है, उस स्थिति में इस टेबलेट को अन्य एंटीबायोटिक टेबलेट के साथ देने से इश्नोफिलिया से राहत मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, फाइलेरिया एक बीमारी होती है दोस्तों, फाइलेरिया, जिसमें व्यक्ति का पैर हाथी की पैर की तरह फूल जाता है, जिसमें पानी की तरह लिक्विड भर रहता है, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का उपयोग करने से उस समस्या से रिलीफ मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, हाइड्रोसिल एक समस्या होती है, हाइड्रोसिल जिसमें अंडकोश में पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाता है, उस कंडीशन में भी हेट्राजान टैबलेट का उपयोग करने से उस समस्या से भी निदान मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, वार्म इन्फेक्शन यानी क्रीमी में भी इस टैबलेट का उपयोग करने से राहत मिलता है। तो ये था दोस्तों हेट्राजान 100 टैबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग अपने से ना करें, उपयोग करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। वैसे इस टेबलेट के डोज की बात करें तो एडल्ट में 3 से 5 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। उसके अलावा 11-12 साल से ऊपर के बच्चों में 1 से 2 mg पर बॉडी वेट की हिसाब से इस टेबलेट को दिया जाता है। इस टेबलेट का उपयोग दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता हो तो 3 बार भी उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में। दोस्तों, जो किडनी, लीवर या हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के, वो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। यदि उपयोग कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, ये टेबलेट प्रेगनेंसी में डॉक्टर की निगरानी में दे सकते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। यदि दोस्तों इस टेबलेट में उपस्थित कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि नोजिया, ओमेटिन, हेडेक, पेट दर्द, अपच, गैस, दस्त, खुजली, लाल चकत्ते, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो इस टेबलेट का उपयोग करना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो यह था दोस्तों हेट्राजान
100 mg टेबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियो आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।